नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉर्ट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे जो पैच पैनल होता है नेटवर्किंग के रैक के अंदर, तो आज हम उस पैच पैनल का अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं। देखिए, ये जो पैच पैनल होता है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है नेटवर्किंग सेक्टर में, नेटवर्किंग के फील्ड में। एक्चुअली ये एक इंटरफेस होता है पैच कॉर्ड और आपके स्विच के बीच। तो इससे होता क्या है कि आपका जो नेटवर्क ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे कि आपको आपका जो नेटवर्क होता है वो हैसल फ्री होता है। इसीलिए हम इस पैच पैनल का यूज नेटवर्क रैक में करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि पैच पैनल कहाँ पर होता है नेटवर्क रैक में, तो आज हम देखेंगे कि पैच पैनल जब आप कोई भी खरीदते हो तो उसके बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। चलो फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, ये पैच पैनल है डीलिंक का, और आप देख सकते हो ये अनशील्डेड 24 पोर्ट फुल लोडेड पैच पैनल है। ठीक है, तो ये जो पैच पैनल है ये 24 पोर्ट में आपको आपको मिलेगा। ठीक है, और इसका जो प्राइस होता है वो लगभग 3000 या 3500, 3000 से लेके 3500 तक इसका प्राइसिंग होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ स्क्रूज है और केबल टाई है, जो कि आपको केबल को अच्छे से फिटिंग करने के लिए आपको ये इसके साथ मिलता है। और ये जो स्क्रू है ये पैच पैनल रैक के अंदर हमें पैच पैनल फिट करने के लिए ये स्क्रू भी आपको इसके साथ मिलते हैं। उसके बाद ये आपको मिलता है इसका मैनुअल के कैसे आपको ये जो पैच पैनल है ये पैच पैनल आपको कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे इसकी सारी जो जानकारी है इस मैनुअल के अंदर आपको दी गई है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है ये पैच पैनल को कैसे मतलब जो कैट सिक्स वायर्स होती है वो कैसे आपको पैच पैनल के अंदर इंस्टॉल करनी है, कैसे लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोडिंग भी दिया हुआ है, कलर कोडिंग इंफॉर्मेशन भी है आपको इसके अंदर। देखिए, कलर कोडिंग जो होती है वो आपको दो टाइप में मिलती है, पहला जो है वो T568A और T568B। ठीक है, जनरली हम जो यूज करते हैं हमारे नेटवर्क में वो T568B। तो आप देख सकते हो कैसे इन्होंने जो वायर्स है वायर्स को पैच पैनल के अंदर पंचिंग किया है। देखिए, जो भी इसके साथ आपको एक्सेसरीज मिलती है, कैसे केबल टाई को लगाना है, कैसे केबल को फिट करना है, यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये पैच पैनल है, देख सकते हो आप ये पैच पैनल है। ये जो होता है ये इसे हम केबल मैनेजर भी कह सकते हैं कि इस, क्योंकि इसमें केबल जो है वो मैनेज करते हैं हम इस पैच पैनल के साथ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये पैच पैनल है और ये यहाँ पे 24 पोर्ट है, और मैं आपको दिखाऊं यहाँ से एक से लेकर यहाँ पे ऐसे 6-6 केबल्स के लिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे पार्टीशंस किया रखे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये अलग अलग करने का, बस आपको केबल अच्छी तरह से आपकी लगनी चाहिए, इसके वजह से इन्होंने थोड़ा सा इसमें स्पेस रखा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो 24 पोर्ट पे है, और यहाँ पे आप, मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये जो केबल जो होती है यहाँ पे, ये इसका कोडिंग है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये कोडिंग जो है यहाँ पे T568A और B के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अगर हम 24 पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें B कोड के लिए हमें कौन सा केबल लगाना है और A कोड के लिए हमें कौन सा केबल लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और अगर जूम करके मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो है वन ये है, यहाँ पे 1B, तो ऊपर की तरफ सेम ऐसे ही है, नीचे 3A और 3B। तो अगर आपको कलर कोडिंग बी के साथ करना है तो आपको क्या करना है, जैसे अभी यहाँ पे ये तो कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रीन वाइट और ग्रीन, और यहाँ पे ऑरेंज वाइट ऑरेंज, तो बी के लिए आपको यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज रखना है, और ऊपर की तरफ आपको रखना है ग्रीन व्हाइट ग्रीन, और ए कलर कोड के लिए आपको रखना है यहाँ पे ग्रीन व्हाइट ग्रीन और यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज। बस यहाँ पे ये ग्रीन और ऑरेंज जो केबल है यहाँ पे इंटरचेंज होगी, बाकी ब्राउन व्हाइट ब्राउन और ब्लू व्हाइट ब्लू यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पैच पैनल जो होता है यहाँ पे आपको कोडिंग करनी होती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको मैनुअल में आपने देखा, तो यहाँ पे ऐसे आपको केबल को अच्छी तरह से यहाँ पे केबल टाई के साथ आपको फिट करना होता है, ठीक है। तो ये बराबर आपके रैक के अंदर ये इसका फिटिंग अच्छे से हो जाता है। चलो मैं इसका थोड़ा सा आगे वाला आपको मैं पोर्शन दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इथरनेट पोर्ट है, देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर यहाँ पे 24 पोर्ट तक आपको ये पैच पैनल दिख रहा है। तो इस तरह से हम इस पैच पैनल के अंदर 24 केबल्स को इंटरफेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पैच पैनल है, ये पैच पैनल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और इसका जो प्राइसिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको 2,500 से लेकर 3,500 तक आपको ये पैच पैनल मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपको, आप कहाँ से इसका परचेसिंग कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप ये परचेसिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का अगर रहेगा तो बेटर रहेगा, जैसे डी लिंक हो गया, ट्रेंड नेट हो गया, या फिर काफ़ी सारी और स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, उसमें भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे ख्याल से अगर 16 पोर्ट या 8 पोर्ट का भी पैच पैनल आपको मार्केट में मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन सी कंपनी का अवेलेबिलिटी है, लेकिन वो आपको मार्केट में मिल सकता है, ठीक है। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल है ये पैच पैनल का। और देखिए, अभी इस बॉक्स के अंदर बस यही इतना ही आपको, ये दो चीजें आपको मिलती हैं। देखिए, ये पैच पैनल लोडेड है, तो लोडेड पैच पैनल में आपको क्या मिलता है, ये जो केबल मैनेजर होता है ये आपको लोडेड पैच पैनल में मिलता है, और अनलोडेड में बस आपको ये पैच पैनल ही मिलने वाला है, ठीक है। तो देखा आपने, ये जो पैच पैनल है बहुत ही काम की चीज है। नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग करते समय पैच पैनल का ज्यादा से ज्यादा, मतलब अगर आप कहीं भी कहीं पर भी आप स्विच लगा रहे हो, जहाँ पे 16 पोर्ट स्विच है, 24 पोर्ट स्विच है, या फिर उससे ज़्यादा स्विचेस आप एक रैक में लगा रहे हो, तो अगर आप पैच पैनल का यूज़ करते हो तो आपका जो
नेटवर्किंग है, आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ही हैसल फ्री होने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूंगा पैच पैनल का यूज जरूर करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए ही शॉर्ट फिल्म्स। थैंक यू। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जो भी हमारे वीडियो है, जो भी हमारे नए लेक्चर्स है, ट्यूटोरियल्स है, वो आपको आपके ईमेल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए ही शॉर्ट फिल्म्स। थैंक यू।